स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आई नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के बीच चल रही कलह अब सबके सामने आ गई है। घूसकांड मुद्दे को लेकर शीर्ष अधिकारियों में चल रही जंग के कारण सीबीआई की चारों तरफ किरकिरी हो चुकी है। वहीं इस विवाद के बीच सरकार की तरफ से सीबीआई के दोनों शीर्ष अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस फैसले को सरकार का इस मुद्दे का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को अपने बयान पर सफाई दी है। ईरानी ने कहा कि पारसी से शादी होने के बाद भी उन्हें भी मुंबई के फायर टेंपल में जाने की इजाजत नहीं मिलती है, लेकिन वह इस फैसले से पूरी तरह सहमत हैं। So when I took my newborn son, I had to give him at the temple gate to my husband because I was shooed away and I was told कि यहाँ मत खड़े है ना। All right, I believe I have a right to pray, but I don't have a right to desecrate. And that is the difference that we need to recognize and respect. And now I'm going to request all of you to line up for questions, because I want you to ask questions directly. So the difference is, I'm nobody to speak on the Supreme Court verdict, because I'm a current serving cabinet minister. But just plain common sense. Would you take sanitary napkins steeped in menstrual blood and walk into a friend's home? You would not. And would you think that it is respectful to do the same when you walk into the house of God? So that is the difference. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप लॉन्च करने वाले हैं। इसी मौके पर पीएम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के सभी लोगों से संवाद भी करेंगे। पीएम के साथ देश भर के 100 से ज्यादा स्थानों से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजन से जुड़ेंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाले लोगों को अब तक सिर्फ हाउस टैक्स देना होता था, लेकिन अब नगर निगम कूड़ा चार्ज भी वसूल करेगी। बता दें कि नगर निगम स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने स्वच्छता को लेकर जो गाइडलाइंस तैयार की हैं, उसी को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के युवा बीजेपी सांसद अभिषेक सिंह का दावा है कि किसानों के ऋण माफी का दाव खेलकर कांग्रेस पूरी तरह फंस गई है। उनकी दलील है कि कांग्रेस किसानों को डिफॉल्टर का दर्जा देने की कोशिश कर रही है। साथ ही उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को बगैर ब्याज के सरकार लोन दे रही है, इसके अलावा कई योजनाओं के जरिए उनका सहायता भी कर रही है। जम्मू और कश्मीर के नगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए। आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने नौगाम के साथू इलाके में घेराबंदी की है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोते और भारतीय बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अम्बेडकर ने कहा कि जब देश में पहले से ही राष्ट्रगान मौजूद है तो देश को राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम की क्या आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनगण मन राष्ट्रगान है, ना कि वंदे मातरम। जब आधिकारिक राष्ट्रगान मौजूद है तो हम किसी अन्य गान की आवश्यकता क्यों है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, पार्लियामेंट ने जनगण मन हे राष्ट्रीय गीत आहे, या राष्ट्रीय गीताला मानायचं नाही। राष्ट्रगीत म्हटलं तर मी असणार आहे अँटी इंडियन। गुजरात के ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने अपने प्रदेश में उत्तर भारतीयों पर हाल में हुए हमले और उनके पलायन पर मंगलवार को भरोसा दिलाया कि बिहार के लोगों को वहां 100% सुरक्षित महसूस करना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीयों पर गुजरात में हमलों के लिए कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर को दोषी ठहराया है और कहा कि ये हमले राजनीतिक प्रकृति के थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने मुसलमानों के साथ बड़े भेदभाव को लेकर जो बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उस पर हमला किया है। पात्रा ने कहा कि आजाद का बयान हिंदुओं को गाली जैसा है। हिंदुओं के लिए गाली है, दिस इज अकीन टू एन अब्यूज फॉर द हिंदू कम्युनिटी। एंड रिमेम्बर द कांग्रेस पार्टी हैज एंटर्ड इनटू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, दिस काइंड ऑफ अब्यूज अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी येट time and again and yet again. Hindu Pakistan, Hindu Taliban, Hindu terrorists, saffron terrorism, and now we have this new term by the Congress party that Hindus don't call Muslims for campaigning.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को इजराइल राष्ट्रपति रूवलेन रिवलिन से मुलाकात की और तकनीकी सहयोग, जल प्रबंधन, कृषि और गृह सुरक्षा, प्रौद्योगिक जैसे मुद्दे पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री ने संरक्षण के जरिए पंजाब में गिरते जल स्तर को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।